नमस्कार दर्शक बंधु, मो नाम हूँ कृतिदीप्त साहू और आपण मैंने देखुं कॉम्पिटेटिव ओडिशा। सो आज वीडियो रे आमे देखिबा ओएसटेट रो प्रीवियस ईयर पेपर दैट इज 2019 रो जो क्वेश्चन पेपर आसला तार जिते भी सब मैथ रो क्वेश्चन थी 20टा क्वेश्चन थी तो से 20टा क्वेश्चन रे सल्यूशन देखिबा। ठीक अच्छे, सो ए वीडियो रे आमे 10टा क्वेश्चन रो सल्यूशन देखिबा, सेकंड वीडियो रे आमे आउ 10टा क्वेश्चन रो सल्यूशन देखिबा। तो एमती करके आमे सीरीज गोटे चलेबा जोंतरे कि जिते भी सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छी तो तार जिते भी सब मैथ रो क्वेश्चन अच्छे, केमिस्ट्री रो क्वेश्चन अच्छे, फिजिक्स रो क्वेश्चन अच्छे, सब क्वेश्चन रे वन बाय वन सॉल्यूशन देखा। ठीक अच्छे, सो आई होप आप सीरीज टी भल लगे एंड जो सीरीज टी भल लगे वीडियो टी भल लगे क्वेश्चन गुड़ाक बुझी आस वीडियो को लाइक करेंगे सहित जब चैनल को वर्तमान पर्यटन सब्सक्राइब करना तले रेड कलर सब्सक्राइब बटन अच्छी प्रेस करके बेल आइकन को अन् कर दिखाँ जहाँफल जिते भी आम क्लासेस हम तार नोटिफिकेशन आपलपर तो चलन तो आज क्लास को स्टार्ट कर। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आमको दिखाई कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी टा हूँ गोटे क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज तो से कही कि यार भैल्यूटा केत जदि ए बी सी डी गोटे हूँ क्वाड्रिलेटरल तो आम जाने कौन ए बी सी डी चारोटी एंगेल सम के 360 डिग्री हो तो या डिवाइडेड बै टू करदे बोथ साइड तो आमको कौन मिले ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बै टू इज इक्वल्स टू के 360 डिवाइडेड बै टू हो। सो ये जिनसटा को आम कौन लिख पारा ना ये जिनसटा को आम लिख पारा ए सी ए प्लस सी डिवाइड बै टू एंड बी प्लस डी डिवाइडेड बै टू तो एमती मुझे कहली कहीं मतलब एमती दिखाई क्वेश्चन में। ठीक अच्छे, से मुझे सेपरेट करदेली तो ए प्लस सी डिवाइड बै टू प्लस बी प्लस डी डिवाइड बै टू इज इक्वल्स टू के 180 डिग्री हो। ठीक ना नहीं, सो एथ्रु मुझे लिखिपारि कौन ना ए प्लस सी डिवाइडेड बै टू के 180 माइनस बी प्लस डी डिवाइडेड बै टू आम कहीपर। ठीक अच्छे, सो बर्तमान देखते ये जो आमको फाइंड करने कही कि कॉस हाफ ए प्लस सी प्लस कॉस हाफ बी प्लस डी तो ये ए प्लस सी डिवाइड बै टू जगह आम कौन पुट कर 180 माइनस बी प्लस डी डिवाइड बै टू पुट कर पार्बा कि नहीं पुट कर मैंने यार भैल्यूटा के बर्तमान देखु यार भैल्यूटा हो कॉस ए प्लस सी डिवाइडेड बै टू प्लस कॉस b प्लस डी डिवाइड बै टू जो आमको दिखाई सो यार भैल्यूटा के बर्तमान देखते कॉस 180 माइनस बी प्लस डी डिवाइडेड बै टू एंड नेक्स्ट आमको मिले कौन कॉस b प्लस डी डिवाइडेड बै टू तो बर्तमान देखते कॉस 180 माइनस थीटा जितेबाला हुए से कौन होता है कॉस थीटा ही बट से नेगेटिव साइन होता है कहीं कौ क्वाड्रेंट रे आते सेकेंड क्वाड्रेंट रे सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस कौन होता है नेगेटिव होता है तो ये जिनसटा के कॉस b प्लस डी डिवाइडेड बै टू एंड प्लस अच्छे कौन कॉस b प्लस डी डिवाइडेड बै टू तो ये देखो कॉस माइनस रे गोटे आसला कॉस प्लस रे गोटे आसला तो दुटा कैनसल हो गए आमर आंसर आंसर जीरो आसो सो जीरो यार करेक्ट आंसर। ठीक अच्छे, सो दैट मीनस ऑप्शन ए हो यार करेक्ट आंसर बुझी आसला जीवन नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कौन दिखाई ह्वाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा तो जितेबाला भी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने कह टाइप क्वेश्चन दिखाई तो सेतेबाला आम सपोज करूँ या कौन एफ ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक अच्छे, सो यार आम कौन कर बर्तमान डिफरेंशिएशन करवा सो डिफरेंशिएशन करवा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा सो ये कौन लगे ये प्रोडक्ट रूल लगे। ठीक अच्छे, प्रोडक्ट रूल लगे कौन हो देखो फर्स्ट साइन थीटा डेरिवेटिव हम तो साइन थीटा डेरिवेटिव के कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बर्तमान कॉमन रहा सेकंड रे कौन हम साइन थीटा कॉमन रहा एंड कॉस थीटा डेरिवेटिव हम तो ये कौन हो साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। ठीक अच्छे, सो ये जिनसटा को आम लिखिपर कौन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखिपर एंड यार वैल्यूटा के कॉस टू थीटार फॉर्मूला बुझे आसा कि नहीं। बर्तमान आम कौन करवा जो एफ डेस थीटा बाहर कले एफ डेस थीटा को कनसीडर करवा कि यहाँ हूँ जीरो। ठीक अच्छे, सो एफ डेस थीटा इज इक्वल्स टू जीरो कहीं बाहर कौन क्रिटिकल पॉइंट सो ये जब आम पुट करवा कौन कॉस टू थीटा इज इक्वल्स टू जीरो देन कॉस टू थीटा के जीरो हम ना जितेबाला कॉस 90 आमको मिले मैंने मुझे टू थीटा इज इक्वल्स टू 90 हूँ सो दैट मीन थीटा इज इक्वल्स टू के 45 डिग्री हो। ठीक अच्छे, सो आम पाइले कौन एंगेलटा पाइले 45 तो जदि आमको एंगेलटा मिलगला 45 बर्तमान ये 45 रे ही आमको मैक्सिमम वैल्यू मिले बर्तमान आपण मैंने कौन करेंगे थीटा जगह 45 रखी दिंतु तो आमको मिले के साइन 45 इंटू कॉस 45 तो साइन 45 होता है 1/√2 कॉस 45 होता है 1/√2 सो यार वैल्यू के 1/2 1/2 कौट दिखाई ऑप्शन बी रे दिखाई सो ऑप्शन बी हो यार करेक्ट आंसर। ठीक अच्छे, तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दिया इफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 2√3 सेंटीमीटर जदि गोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया समबाहु त्रिभुज दिया तार गोटे लेंथ दिया 2√3 सेंटीमीटर तो से कहे कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ इट्स सर्क्यूम सर्कल ता माने सर्क्यूम सर्कल माने कौन यार वर्टिसेस गुड़ा को टच करके जो सर्कल टा जीवो ताकु कहा जाए कौन सर्क्यूम सर्कल तो से सर्क्यूम सर्कल से हमको रेडियस पचारि छि तो सर्क्यूम सर्कल रो रेडियस टा कौन हो आमे केमती फाइंड करबा देखो आमे जानि छि कौन ना सिंपल यार रेडियस रो डायरेक्ट गोटे फार्मूला छि से फार्मूला को यूज करके आमे काढि परबा सेकंड होछि गोटे एरिया रो फार्मूला यूज करके आमे काढि परबा ठीक होछि सो फर्स्ट मो डायरेक्ट फॉर्मूला टा कह दउ छी तापर हमें एरिया रो फॉर्मूला को यूज करके केमती काढबा सेटा भी देखि दवा ठीक होछ दिटा जको मेथड देखि दवा तो यार रेडियस केते ते रेडियस रो फॉर्मूला हो जे सिंपल जदि हमें देखिबा देखंतु साइड डिवाइडेड बाय √3 ठीक होछ सो साइड डिवाइड बाय √3 जदि कर दवा सेटा हमरो रेडियस बाहर त एठी हमकु साइड केते दिया छी 2√3 डिवाइड बाय जदि हमें √3 कर दवा तो √3 कैंसिल हो जबो केते आइसो 2 सेंटीमीटर ता माने यार रेडियस केते इज वो सर्क्यूम सर्कल रो रेडियस सेटा होची 2 सेंटीमीटर ठीक होची वर्तमान हमें इज इनसर्ट को जदी हमें एरिया वाइज हमें काढिया पई चाहू छंती देन कोन हे जेबो देखंतु एरिया इज इक्वल्स टू केते हेते एरिया इज इक्वल्स टू हेते ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 आर हेते ठीक होची सो वर्तमान देखंतु एठी हमें जानि छे कोन ए बी सी तीनटा देखो समान होची आ हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल रो एरिया भी काढि परबा √3/4 इनटू ए स्क्वायर करके ठीक अछि सो एटी एरिया पुट करबा एटी एबीसी रो वैल्यू पुट करबा सो एथरो हमें पाइ जबा कोन आर रो वैल्यू पाइ जबा जदी सॉल्व करबा तो सेई थरो भी हमें बाहर कर परबा ठीक अछि सो आपण मन को जेमति भी क्वेश्चन दिहाइ तो सेई अनुसार आपण माने दुटा फार्मूला यूज करबे फर्स्ट इज रेडियस रो फार्मूला होछि साइड बाय √3 आ गोटा होछि एरिया रो फार्मूला एबीसी डिवाइड बाय 4 आर ठीक सो एटा आपण मन को सर्क्यूम सर्कल पई फार्मूला हेते तापरे नेक्स्ट देखो 84 नंबर क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन कौन दिया है ए हॉर्स इज प्लेस्ड फॉर ग्रेजिंग इनसाइड ए रेक्टेंगुलर फील्ड 40 मीटर बाय 36 मीटर ठीक अच्छे एठी हमको गोटे कौन दिया है रेक्टेंगुलर फील्ड दिया है जहाँ की लेंथ होती कहते 40 मीटर और विड्थ होती 36 मीटर ठीक अच्छे तो से कौन कह टीथर्ड टू ए कॉर्नर मान गोटे कॉर्नर रे गोटे कोण रे ताको कौन कर बंधा जा ठीक अच्छे खुंटर गोटे बंधा जा बाय ए रफ 14 मीटर लॉन्ग ठीक अच्छे सो एटी गोटे दौड़ी रे ताकू बंधा जाए जहाँ की लेंथ होची 14 मीटर तो से कहे कि ओवर हाउ मच एरिया कैन इट ग्रेज तो से केते एरिया चरी पारिबो ठीक अच्छे माने ग्रेज करी पारिबो तो एटी जदि आमे देखिबा एतिकी एरिया से ग्रेज करी पारिबो ठीक अच्छे सो एई जो पार्ट टा में देखिले एटा कोन एटा गोटे टोटल सर्कल रो गोटे क्वाड्रेंट कि नै 1/4 होची टोटल सर्कल रो तो सेतिकी एरिया कोन करी पारिबो से ग्रेज करि परबो ता माने हमकु रेडियस मिल गला सो रेडियस जदि मिल गला रेडियस केते होची रेडियस होची दौड़ी रो जति के लेंथ 14 मीटर सो हमें रेडियस पाई गले सो एतरो हमें एरिया काढि परबा एरिया केते हे जबो पाई आर स्क्वायर हे जबो तो से केते एरिया चोरी परबो देखंतु दिस ए एरिया जो बाहरला पाई आर स्क्वायर एटा कोन हे गला सर्कल रो एरिया डिवाइडेड बाय 4 कर देले कोन हे जबो से जति की एरिया जो साइडेड पोर्शन हम करि छि एति की एरिया बाहर जबो हमरो ठीक अछि सो पाई रो वैल्यू होची 22/7 एंड आर केते दिआइ छि 14 सो 14 × 14 तो 7 रे कैंसिल कर देले इटा 2 हिज 80 डिवाइड बाय 4 अछि सो 80 जदि कैंसिल कर दवा 2 हिज 87 आसीबो सो 22 × 7 केते हिज 22 × 7 हिज 7 × 14 15 ओके 154 मीटर स्क्वायर सो दैट इज ऑप्शन डी हिज वे आर करेक्ट आंसर 154 मीटर स्क्वायर तापर देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दे छि व्हाट इज द कोफैक्टर A23 माने कौन A23 होची गोटे एलिमेंट जहार के पोजीशन होची रो होची 2 एंड कॉलम होची 3 ठीक अछि सो एटी देखंतु A23 पोजीशन रे को एलिमेंट आसी सेकंड रो थर्ड कॉलम तो सेकंड रो थर्ड कॉलम रे तो गोटे एलिमेंट अछि सेटा होची 2 ता माने ए 2 रो हमें कोन बाहर करबा कोफैक्टर बाहर करबा तो कोफैक्टर केमते बाहर करा जाय कोफैक्टर ऑफ फार्मूला होची देखंतु A23 इज इक्वल्स टू केते जबो -1 रो पावर 2+3 इनटू M23 ठीक अछि M23 टा कोन माइनर आ माइनर केमती बाहर करा जाय देखंतु सेकंड रो थर्ड कॉलम को जदी हमें कोन कर दबा डिलीट कर दबा तो बाकी जो एलिमेंट रहिला समान कर डिटरमिनेंट सो ताहाले एठी हमर कोफैक्टर केते आसीबो देखंतु -1 रो पावर 5 हे गेलो सो यार कहलु तो -1 आसीबो एंड डिटरमिनेंट का रहिजबो -1 2 1 3 सो -1 2 1 3 यार डिटरमिनेंट सो यार वैल्यू आसीबो -1 एंड एठी जदी हमें करिवा सॉल्व केते आइबो -3 -2 सो यार वैल्यू केते आसला -1 एठी आसी गेलो -5 सो मल्टीप्लाई कर दन तो केते आसी 5 आसी सो दैट मींस यार कोफैक्टर केते आइबो दैट इज 5 ऑप्शन सी
तापर आस जंतु नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देइछि, इफ ए लाइन पासिंग थ्रो 3, k एंड 2, 7 इज पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रो -1, 4 एंड 0, 6 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। ठीक अछि, सो एटे देखंथु हमकु दुटा लाइन दिआइछि। फर्स्ट ऑफ ऑल एटा होछि गोटे लाइन, एटा होछि गोटे लाइन। तो फर्स्ट लाइन टा दुटा पॉइंट को पास करछि, सपोज एटा होछि 3, k एंड सेकंड पॉइंट होछि 2, 7। सेकेंड लाइन टा पास करछि काहाकु, -1, 4 को एंड 0, 6 को। तो जेते बेले दुटा लाइन कोन होचंती पैरेलल होचंती, L1 आउ L2 कोन होचंती पैरेलल होचंती, तो सही केस रे कोन हेते ना, एमनकर स्लोप टा सेम ही थाए। स्लोप M1 इज इक्वल्स टू M2 होबो। ठीक अछि, आ जेते बेले भी हमकु गोटे लाइन रो दुटा पॉइंट दिहाय ते, तो सेमनकर स्लोप केमती बाहर करथो, तो फर्स्ट लाइन रो स्लोप कोन हेजबो, फर्स्ट लाइन रो स्लोप हेजबो y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। स्लोप कौन आस y2 - y1 दैट इज 7 - k, तो 7 - k डिवाइडेड बाय केते हिजबो 2 - 3 2 - 3, सो एटा हे गला m1। तो सेम टू सेम जदी हमें m2 काढिबा, तो m2 केते आसीबो देखंतु 6 - 4, 0 माइनस ऑफ -1 दैट इज +1, सो एटा हे गला m2। वर्तमान डेटा को हमें इक्वल कर दबा। ठीक अछि, जदी हमें इक्वल कर दबा केते मिलबो देखंतु 7 - k डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल्स टू 2 / 1। तो यार वैल्यू केते आइछबो 7 - k इज इक्वल्स टू -2 एंड k रो वैल्यू केते आइछबो 7 + 2, दिस इज 9। सो k रो वैल्यू ताले केते आसला, k रो वैल्यू 9 आसला, ओ 9 कोठे दिआइछ हमको ऑप्शन डी रे दिआइछ, सो ऑप्शन डी इज बो यार करेक्ट आंसर। ठीक, तापर देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद द सेंटर एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 1, 1 एंड 3, 3। ठीक अछि, सो हमको कौन दिया है, हमको गोटे लाइन सेगमेंट दिया है जहाँ की लास्ट पॉइंट गुड़ाक दिया है 1, 1 एंड 3, 3। ठीक अच्छे, सो ये जो लाइन सेगमेंट रही, लाइन सेगमेंट मिड पॉइंट हूँ कौन, मिड पॉइंट हूँ सर्कल रो सेंटर, बुझी आसा कि नहीं, यहाँ हूँ सर्कल रो सेंटर। तो से कहे कि सर्कल रो इक्वेशन कौन हम, तो ये मिड पॉइंट को सपोज करूँ तो हमें एक्स एक्स न नहीं कि एच नहीं जावा। ठीक अच्छे, तो याकु जदि हमें h, k नहीं जावा, ताहले हमरो इक्वेशन कौन आसीबो, इक्वेशन आसीबो x - h² + y - k² इज इक्वल्स टू r² टा कौन हिजबो, r² टा हिजबो ए डिस्टेंस का दैट इज रेडियस। ठीक अछि, सो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कौन करबा, मिड पॉइंट काढ देबा। तो मिड पॉइंट कौन हिजबो, जते बेले भी हमकु दुटा पॉइंट दिया हिजि गोटे लाइन सेगमेंट रो, तो तार मिड पॉइंट कौन हिजबो, मिड पॉइंट दैट इज h, k कौन आसो देखो 1 + 3 / 2 सो दैट इज 2, 2 आम पाइल मिड पॉइंट। ठीक अच्छे, बर्तमान आमको दरकार कौन, बर्तमान आमको दरकार रेडियस। सो रेडियस आम कमी रेडियस आम पाइपर देखो ये पॉइंट पाइल 2, 2 बर्तमान यार डिस्टेंस काढ़ पार कि नहीं, डिस्टेंस काढ़ पार। सो रेडियस देखो रेडियस आसीज 3 - 2 / 2 + 3 - 2 / √ से यार वैल्यू आसी गलो 1 + 1 √ दैट इज √2। ठीक अच्छे, सो आम पाइल कौन रेडियस पाइले, बर्तमान इक्वेशन रे पुट कर दिखाँ, तो इक्वेशन रे पुट कर दे कौन मिल जाए हमको देखो x - 2 / 2 + y - 2 / 2 इज इक्वल्स टू r² दैट इज √2 / 2 के 2 हिजबो। या फर्दर सल्व करें के x² + 4 - 4x y² + 4 - 4y इज इक्वल्स टू 2। तो यार वैल्यू मिल गला x² + y² - 4x - 4y एंड एठी केते आ जइबो देखंतु, एठी आ जइबो हमरो 4 + 4 = 8 - 2 कर देले +6 + 6 इज इक्वल्स टू 0। सो एटा हे गला कोन, एटा हे गला इक्वेशन ऑफ द सर्कल x² + y² - 4x - 4y एंड दिस। तो कोठी दिया छै सेटा देखंतु हम, तो ये देखो ऑप्शन रे हमको से ऑप्शन टा दिया है नहीं, ठीक है मिस्टेक अच्छे, ये आप मानकर देखो ए एटी 7 रो जाइछि, तो 7 जगह रे एटी आप माने जो 6 कोचन ताले एटा आप मानकर करेक्ट आंसर हिजबो। सो ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी आप मानकर करेक्ट आंसर आबो। ठीक, सो एटी ऑप्शन रे मिस्टेक दिछि, तो सेट पै किछि वरी हबर नै। ओके, करेक्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर कोन हबो x² + y² - 4x + y + 6 = 0। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिछि, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। तो स्पीयर डायमीटर कौन हम, हमको इक्वेशन दे दिया, सो इक्वेशन टाक फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कौन करने को पड़ो, लिखे को पड़ो कि x - h² + y - k² + z - suppose p² फॉर्म रे लिखे को पड़ो। सो एमती लिखी सारापर आम यार रेडियस फाइंड कर पार्टी r² आसो। ठीक अच्छे,
सो आमको जो दिखाई कौन एक्स स्क्वायर एंड एटी दिखाई के माइनस सिक्सटीन एक्स दिखाई सो यही जिनसा जो आम लिखा कौन हम यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन एक्स को आम लिखिपर टू इंटू एट एक्स लिखिपर एंड एटी जेहतु आम कौन कर एट मल्टीप्लाई कर तो ये आपट स्क्वायर एड कर दिखुं ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट कौन दिखाई वाई स्क्वायर दिखाई ट्वेल्व वाई दिखाई सो यही जिनसा लिखिपर कौन वाई स्क्वायर एंड ट्वेल्व वाई को आम ब्रेक करके लिखिपर टू इंटू सिक्स वाई प्लस सिक्स स्क्वायर लिखिपर ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट देखो जो दिखाई जेड स्क्वायर एंड एटी दिखाई टू रुट डी जेड दिखाई सो यही जिनसा लिखिपर कौन जेड स्क्वायर माइनस टू रुट डी जेड आठ देखो आमको दिखाई कौन टू रुट डी जेड सो ये जेहतु टू सहित रुट डी मल्टीप्लाई अच्छी सो ये आम कौन कर रुट डी स्क्वायर करदे दैट इज डी हिज ठीक अच्छे एंड नेक्स्ट आमको कौन दिखाई एटी आमको डीटा एड दिखाई सो डीटा को भी आम एड कर बर्तमान देखो ये एक्सट्रा कि जिन एड कर गोटे हूँ एट स्क्वायर गोटे हूँ सिक्स स्क्वायर तो से जिन गुडा आम कौन कर बैलेन्स करने माइनस भी करदे तो माइनस करदे के एट स्क्वायर एंड एटी आसो सिक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो बुझी आसला सो बर्तमान देखो ये जो जिनसा मुझे लिखिली एक्स स्क्वायर माइनस टू एट एक्स प्लस एट स्क्वायर सो यहाँ कौन देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में आसूनी कि आसूस सो दैट मीन यू आम लिखिपर कौन यू आम लिखिपर एक्स माइनस एट रोल स्क्वायर लिखिपर सिमिलरली यू आम कौन लिखिपर यू आम लिखिपर वाई प्लस सिक्स रोल स्क्वायर लिखिपर एंड नेक्स्ट को कौन लिखिपर जेड माइनस रुट डी रोल स्क्वायर प्लस डी इज इक्वल्स टू के देखो ये सिक्सटी फोर ये थर्टी सिक्स सो सिक्सटी फोर प्लस थर्टी सिक्स के हंड्रेड हो गला हंड्रेड को जब राइट साइड को नहीं जाए के टेन स्क्वायर हो ठीक कि नहीं तो बर्तमान देखते मुझे जो इक्वेशन टा लिखी थी ये फर्माट्रे आसे कि नहीं एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर प्लस जेड माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर सो ये आम आर टा पाइले कौन आर पाइले टेन सो दैट मीन रेडियस आसगला टेन आसगल सो दैट मीन डायमीटर टाइम कौन हो बर्तमान डायमीटर हो टू इंटु रेडियस दैट इज टू इंटु टेन दिस मीन ट्वेंटी ठीक अच्छे सो डायमीटर के ट्वेंटी होगा दैट इज ऑप्शन बी हिज यार करेक्ट आंसर तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिखाई नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई आमको प्रोबेबिलिटी रो क्वेश्चन ठीक अच्छे सो क्वेश्चन देखो कौन दिखाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रो क्वेश्चन टा ए बॉक्स कंटेनिंग हंड्रेड बल्ब्स आउट ऑफ व्हिच टेन आर डिफेक्टिव व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ सैंपल्स ऑफ फाइव बल्ब्स एक्जाक्टली थ्री आर डिफेक्टिव तामने आमको हंड्रेड बल्ब दिखाई से दसटा खराब अच्छे सो आम जब सपोज करूँ फाइव बल्ब सैंपल उठेबा तो सही केस रे से कहे कि एक्जाक्टली तीन टा बल्ब डिफेक्टिव आसवर प्रोबेबिलिटी के ठीक ऑप्शन देखो दिखाई नाइन क्यूब डिवाइड बाय 105 नेक्स्ट दिखाई नाइन स्क्वायर डिवाइड बाय 10 सॉरी 10 टू द पावर ऑफ 4 एंड नाइन डिवाइड बाय 10 टू द पावर ऑफ 3 एंड नाइन क्यूब डिवाइड बाय 10 टू द पावर ऑफ 4 दिखाई ठीक अच्छे सो यहाँ हो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रो क्वेश्चन सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रो फॉर्मूला है कौन पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एक्स इज इक्वल्स टू कौन होता है एन सी एक्स ठीक अच्छे सो एन सी एक्स क्यू रो पावर एन माइनस एक्स एंड पी रो पावर एक्स होता है तो ये मुझे आप एक्सप्लेन करदे कि एन टा कौन क्यू टा कौन पी टा कौन ठीक अच्छे सो एन टा हूँ कौन एन टा हूँ जिते भी आम सैंपल्स उठेबा ठीक अच्छे सो सैंपल्स आम के उठाऊँगी फाइव बल्ब्स सैंपल्स उठाऊँ सो एन टा हो कौन फाइव हो ठीक अच्छे एक्सटा कौन एक्सटा हूँ केल आम डिफेक्टिव बाहर दैट इज थ्री तो एक्स हो गला थ्री तापर देखु पी पी टा हूँ कौन पी टा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स ठीक अच्छे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स सो ये आम लिखिपर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब ठीक अच्छे सो हंड्रेड बल्ब थिला से दसटा बल्ब डिफेक्टिव अच्छी तामने प्रोबेबिलिटी के देखु 10 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 1 बाय 10 हो गला क्यूटा कौन क्यूटा हूँ पी रो कम्प्लीमेंट मैंने कौन वन माइनस पी हो टोटल प्रोबेबिलिटी वन होता है से पी को माइनस करदे क्यू बाहर जो सो वन माइनस वन बाय टेन ये के नाइन बै टेन बुझी आसला सो आम एन पाइले एक्स पाइले पी पाइले क्यू पाइले बर्तमान जब आम फर्मुलार पुट करदे ओके फर्मुलार आमको दरकार कौन आमको दरकार पी ऑफ एक्स मैंने पी ऑफ थ्री बाहर करवा तो पी ऑफ थ्री के देखो सी फाइव थ्री क्यू रो पावर एन माइनस एक्स थी क्यूटा हूँ नाइन बै टेन एंड एन माइनस एक्स के देखो एन माइनस एक्स फाइव माइनस थ्री हो टू इंटु वन बै टेन दैट इज पी
पी रो पावर केते थिला एक्स थिला दैट इज 3 ठीक अछि सो याको जदि हमें सॉल्व करबा देखंतु केते आसीबो ए जनसोटा को हमें लिखि परबा कोन C53 को हमें लिखि परबा कॉम्बिनेशन रो फार्मूला अपन माने जानि थेबे एनसीआर रो फार्मूला कोन हेता एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल सो ए जनसोटा हमें लिखि परबा कोन 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड 5 माइनस 3 दैट इज 2 फैक्टोरियल ठीक तापर एटा कोन हिजबो n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर हिजबो एंड ए जनसोटा कोन लिख परबा 1 बाय 10 रो पावर 3 ओके सो याकु जदि हमें फर्दर सॉल्व करबा ताले फर्दर सॉल्व करले ए वैल्यूटा केते आसीबो देखंथो एटी जदि आपण माने सॉल्व करबे ए टर्म्स ता आपण मानकर केते आसीबो 10 आसीबो ठीक अछि इनटू 9 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर इनटू 1 बाय 10 रो पावर 3 सो एटा हमको केते मिलबो एटी देखंथो 10 10 कैंसिल हे गेले 9 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 रो पावर 4 ठीक अछि सो 9 स्क्वायर डिवाइड बाय 10 रो पावर 4 कोठि दे छि हमको ऑप्शन बी रे दे छि सो ऑप्शन बी हिज बाय आर करेक्ट आंसर ठीक अछि बुझि आसला समस्तनकु सो एटा थिला हमर 9 नंबर क्वेश्चन तापर देखंतु आजर लास्ट क्वेश्चन ठीक अछि व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स तो वेरिएंस काढ़िया पई कहि छि सो एटा स्टैटिस्टिक्स रो क्वेश्चन त सो वेरिएंस रो फार्मूला कोन एटा वेरिएंस इज इक्वल्स टू समेशन xi माइनस x बार रो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज n हे था ठीक सेटा होची वेरिएंस सो एटी x बार ता कोन x बार ता होची मीन x बार ता कोन x बार ता होची मीन तो मीन कोन हे जबो ए मानन को सम हे जबो सो 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5 करबा ठीक सो एठी जदि हमें सपोज करंतु 1 2 3 4 5 नै कि देखिबा ताहाले देखंतु यार वैल्यू केते आसीबो यार वैल्यू 2 आसीबो जोटे कि आपण मनकर केबे भी आंसर रे आपण माने पाइबे नाही तो एठी आपण मनकर देखंतु क्वेश्चन के मिस्टेक दैछि तो एटा फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर न लिखि कि एटा को आपण माने टिके चेंज कर कि कर दियंतु कोन फर्स्ट 5 इवन पॉजिटिव इंटीजर्स ठीक अछि सो जदि आपण माने इवन नेबे ताहाले ई क्वेश्चन रो आंसर आपण माने पाई परिबे ऑप्शन वाइज तो केते आसीबो देखंतु इवन 2, 4, 6, 8, 10 divided by 5, ठीक, सो याकु जदि एड करबा तो देखंतु 8, 2, 10, 6, 4, 10, तो 30, 30 divided by 5 केते होची, 6 हे होची, सो हमें मीन पाई गले 6, वर्तमान एठी हमें काढीबा कोन, वर्तमान हमें काढीबा देखंतु 2 minus 6 रो होल स्क्वायर, 4 minus 6 रो होल स्क्वायर, plus 6 minus 6 रो होल स्क्वायर, 8 minus 6 रो होल स्क्वायर, plus 10 minus 6 रो होल स्क्वायर, divided by total outcomes that is 5 so yaar value aise 4 square 2 square 0 square 2 square and 4 square divided by 5 so yaar value amku kon milibo dekhantu yaar value amku milibo 4 square kete hijbo 16 16 plus 5 kete sorry 16 plus 4 kete hijbo 20 hijbo so 20 plus 20 divided by 5 so yaar value amku kon milibo dekhantu 40 40 divided by 5 kete aisbo 8 aisbo so yaar variance tale kete hijbo यार वेरिएंस हे जीवो ऑप्शन सी दैट इज 8 बुझि आसिना एंड नेक्स्ट जदि ए जगह हम को आउट जिंस पचत थन त सपोज करंतु कि स्टैंडर्ड डेविएशन पचत थन तो स्टैंडर्ड डेविएशन कोन हे थन त स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस तो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस के तेज को देखंतु स्क्वायर रूट ऑफ 8 तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 रो वैल्यू के तेज को 2√2 सो दैट मींस एही केस रे हमरो कोन आसीबो 2√2 आंसर आसीबो बुझि आसिना सो जदि हमको वेरिएंस पचारुची ताले हमें ए फार्मूलाटा यूज करबा जदि हमको स्टैंडर्ड डेविएशन पचारुची ताले हमें ए फार्मूलाटा यूज करबा ठीक अछि सो आज रो ए क्लास रे हमें 10टा क्वेश्चन डिस्कस करले सो आई थिंक आपण मनको क्लास ते भल लागितबो आ जदि बुझी आस्तबो भल लागितबो देन वीडियो को लाइक करबे चैनल को जदि सब्सक्राइब करनाति चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ जदि कोनोसे जगह रे बुझी आसलानी के डाउट्स अछि देन आपण मने कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिके जणंतु ओके सो देखाबो आगामी क्लास रे से पर्यंत जय जगन्नाथ।